तो आजकल क्लासें बहुपद की, बहुपद की है ना। और इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमी प्लस डॉट ए एन एच पावर एन एपेक्स बराबर है। और इसके बाद में हम ए एन बराबर शून्य, चलो ठीक आगे चलते हैं। एक सूत्र और देख लेते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन का गुणांक। तो इस बेस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एल्फा बराबर सी अपॉन ए बराबर अचर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो ठीक हमारे सूत्र हो गए इस प्रकार कर लेते हैं ना। उसके बेस में क्योंकि क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। सूत्रों को याद आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 4x² प्लस 8x। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये दे रखा है, तो हमको याद करना है निम्न गुणांक के शून्य ज्ञात करना है। को तथा हमारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये किस ये क्वेश्चन दे रखा कि हमको क्वेश्चन दे रखा है, अब करना है इसको सॉल्व करना है। चलो ठीक, 4x² प्लस 8x, चलो ठीक। अब इसका हम गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणन ट्री आ रहा है इसमें, 4x प्लस 4 बराबर 0, जीरो चलता है बराबर, जरूरी है इस चीज़ को लिखना। तो चलो ठीक, अब 4x बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये x बराबर एक मान तो ये आ गया, और दूसरा मान आ गया x बराबर माइनस का 4, दो मान प्राप्त हो गया, 0 और माइनस 4, शून्य, सॉरी यहाँ पर 4x को 4x को मान लिया ना, तो यहाँ पर 2 बचेगा ना, आपको पता नहीं है ना, तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 4x ही रहेगा ना, है ना, तो x नीचे चल जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0 लग दिया। इसके बाद में ये इसको टर्म को लेंगे x प्लस 2, इसको भी 0 में लिखेंगे, तो हमारे पास ये 2 की जगह 4 की जगह 2 आएंगी, क्योंकि 4 कॉमन ले रहे हैं इसलिए, और सॉरी गलती हो गई थी इसलिए। के शून्य शून्य 0 और माइनस 2 हैं। चलो ठीक, अब इसके बाद हमारे को ज्ञात करना है शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग। चलो ठीक, शून्य अंकों का योग, तो शून्य अंकों का योग का सूत्र क्या है हमारे पास, आपको बताया था ना ऊपर, शून्य अंकों का एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये किसका है, शून्य अंकों का गुणांक, बस
एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो ठीक, अब इसके जगह हमारे पास रिएक्शन में बी की जगह माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस बी का मान है हमारे पास माइनस आठ है ना, और ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान है हमारे पास चार, चार लिख देते हैं। अब चलो ठीक, अब चार का भाग इसमें देते हैं आठ में, तो हमारे पास प्राप्त होता है माइनस टू है ना, योग तो प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखते हैं गुणन, शून्यकों का गुणन, और इसका सूत्र है एल्फा बीटा बराबर ए, एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर अचर अपॉन अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र हो गया। अब हमको रखना है जो हमारी रिएक्शन है, और रिएक्शन थी हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस आठ, ये थी ना बराबर जीरो, तो इस रिएक्शन से यहाँ पर मान रखना है। तो हमारे पास रिएक्शन है तो सी का मान क्या है, जीरो, सी का मान तो है नहीं यहाँ पर, तो जीरो हो गया, अपॉन ए का मान चार, तो हमारे पास प्राप्त हुआ जीरो, तो हमारा जीरो प्राप्त हुआ, हमारे पास जीरो प्राप्त हुआ। तो हम दोनों तथा शून्यांकों का योग जीरो तथा शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का योग तो दो प्राप्त हुआ था माइनस दो, और गुणन तो जीरो प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त है। जांच करने पर हल किया था वह हमें सत्य प्राप्त हुआ। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह, चलो ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास बराबर जीरो, इसको हम सॉल्व करते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस पंद्रह, तो इसमें सोचने की बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट पंद्रह स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, इस सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, इस सूत्र के बेस पर इसको लिख दिया ना, तो हम इस टर्म में खोल देते हैं ना, एक्स प्लस पंद्रह रूट के अंदर आइए ना, रूट ये आ गया एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है जीरो लग दिया, बन गया वो जो पहले किया था ना, बन गया। अब हम अपन इसको दोनों को जीरो के बराबर लिख देते हैं ना, एक्स प्लस रूट पंद्रह बराबर जीरो लिख दिया, और इसको भी लिख देते हैं एक्स रूट पंद्रह है ना बराबर जीरो लिख दिया। अब एक्स बराबर इसको लिखते हैं तो ये आ जाता है माइनस रूट पंद्रह आ गया, और इसके बाद में इसको लिख देते हैं तो ये आ जाता है रूट पंद्रह आ गया ना, है ना। अब देख आगे चलते हैं हमारे पास, तो हम अतः दो शून्य रूट पंद्रह और राय की मेरे
कोई समझ में नहीं आती मेरे को बोल दिया कर, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें डाल दिया। चलो ठीक, इसके बाद में रूड 15 और रूड माइनस 15 दो मान प्राप्त हुए थे हमारे, लिख दिया। अब इस जो पहली टर्म में ज्ञात किया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए, ये सूत्र है आगे तो आप उसको हिंदी में लिखने की डायरेक्ट याद रखना। तो बी माइनस बी अपॉन ए का मान है हमारे पास, इधर लग देते हैं तो माइनस बी, बी का मान है यहाँ पर माइनस बी का मान है जीरो, बी का मान तो दे नहीं रखा तो जीरो गया, दे यहाँ पर दे नहीं रखा। ये होती है टर्म, ये समझ में आ रहे तुम्हारे, ये होती है रिएक्शन। तो हमारे पास बी का मान तो दे नहीं रखा, यहाँ पर सी सी का मान दे रखा है और ए का मान दे रखा है। चलो ठीक, यहाँ पर जीरो जीरो आ, तो ये हो जाएगा जीरो, इसका मान जीरो आ जाएगा, गुणन सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी का मान क्या दे रखा है, रूट ए 15 माइनस दे रखा है अपॉन ए का मान दे रहा है 1, तो हमारे पास हो गया माइनस 15, तो दो मान प्राप्त हो गए हमारे पास, है ना। शून्यांकों का योग जीरो आ गया और शून्यांकों का गुणन क्या आ गया, 15 गया, दोनों मान प्राप्त कर लिए। चलो ठीक, या ये क्वेश्चन हल हो गया, ये ज्ञात करना था हमारा ना। ओके सो दोस्तों, ये हुई आपकी आज की क्लास। तो कैसी लगी हमारी क्लास, तो अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना आपके दोस्तों में, क्योंकि लॉकडाउन में भी कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा है, तो उनको भी कृपया करके शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। वो भी मैथ की क्लास को डेली ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज़ हमारी क्लासें मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।